नमस्कार, मैं अश्वानी। धड़ाधड़ 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश की अब तक की प्रमुख खबरों को। सुप्रीम कोर्ट के 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने संविधान के 103वें संशोधन अधिनियम 2019 की वैधता को बरकरार रखा, जो सामान्य वर्ग के बीच 10% EWS आरक्षण प्रदान करता है। 3 न्यायाधीश अधिनियम को बरकरार रखते हैं, जबकि 2 न्यायाधीश असहमति जताते हुए निर्णय दिया है। गुजरात पीएम मोदी के कार्यकाल के दौरान आगे बढ़ता गया, जिसे मोदी का गुजरात मॉडल की संज्ञा भी दी गई है। भारतीय राज्यों में व्यापार की आसानी रैंकिंग में गुजरात सबसे ऊपर था। यदि आपको याद हो तो नरेंद्र मोदी का गुजरात मॉडल 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान भाजपा के चुनाव अभियान का मुख्य हिस्सा रहा है। जानकारी हो कि सुकेश ने दिल्ली के उपराज्यपाल को यह तीसरा पत्र लिखा है। इससे पहले लिखे गए 2 पत्रों में उसने अपने और आम आदमी पार्टी के बीच हुए पैसों के कथित लेन देन की जानकारी दी थी। हालांकि इसके बाद आम आदमी पार्टी ने ठग सुकेश के इस आरोप को पूरी तरह गलत करार दिया था। 7 सितंबर को कन्याकुमारी से शुरू हुई थी राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा, जो 150 दिनों के बाद जम्मू कश्मीर में समाप्त होगी। इस दौरान राहुल गांधी 3500 किलोमीटर की पदयात्रा करने वाले हैं। 60 दिन पूरे होने के बाद राहुल गांधी को अब भी 2011 किलोमीटर की यात्रा करना शेष रह गया है। अवैध खनन केस में घिरे झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सोमवार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड हाई फैसले को रद्द कर दिया है। हाई कोर्ट ने अवैध खनन केस में मुख्यमंत्री के खिलाफ जांच को लेकर दायर जनहित याचिका को सुनवाई के योग्य माना था। अब सुप्रीम कोर्ट से राहत के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ट्वीट किया, सत्यमेव जयते। नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। खबर है कि प्रवर्तन निदेशालय को जांच के दौरान यंग इंडियन में संदिग्ध लेन देन की जानकारी मिली है। हालांकि एजेंसी ने आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा है। संभावनाएं जताई जा रही हैं कि कंपनी से जुड़े कांग्रेस नेताओं को पूछताछ के लिए फिर से तलब किया जा सकता है। सैफ अली खान और प्रभास स्टारर फिल्म आदि पुरुष की रिलीज डेट लगातार चल रहे विवादों के दौरान बदल दी गई है। फिल्म पहले 12 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही थी, लेकिन अब डायरेक्टर ओम राउत ने एक सोशल मीडिया पोस्ट करके बताया कि फिल्म 16 जून 2023 को सिनेमाघरों में रिलीज की जाएगी। फिल्म की रिलीज डेट बदलने का कारण साफ तो नहीं किया गया है। ओवैसी ने अपने बयान में कहा है कि कांग्रेस और आप पार्टी उन पर इल्जाम लगाती रहती है कि वह भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, और वहीं बीजेपी उन्हें देश के खिलाफ बताती रही है। बीजेपी उन्हें नया जिन्नाह कहती है। ओवैसी ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि उन्हें नहीं पता जिन्नाह किधर गया। ईरान में हिजाब की अनिवार्यता को लेकर सरकार के खिलाफ कई दिन से विरोध प्रदर्शन चल रहा है। इस दौरान कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। हिजाब के खिलाफ शुरू हुए इस विरोध प्रदर्शन की आंच अब भारत के केरल राज्य तक पहुंच गया है। शिरोमणि अकाली दल की अनुशासन कमेटी आज सोमवार को अपना पक्ष रखने के लिए पार्टी के वरिष्ठ नेत्री बीवी जागीर कौर को बुलाया था, लेकिन जागीर कौर पेश नहीं हुई। पार्टी ने इस अनुशासनहीनता को देखते हुए बीवी जागीर कौर को पार्टी से निकाल दिया है। ओजोन की परत को नुकसान पहुंचने से दुनिया में मक्के के उत्पादन में कमी आ रही है। ये खुलासा यूएस एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की रिसर्च यूनिट की ओर से किए गए अध्ययन में हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक ओजोन की निचली परत को नुकसान पहुंचने से सूरज की बहुत सी ऐसी किरणें धरती तक आ रही हैं, जो मक्के की पत्तियों में केमिकल संतुलन को बिगाड़ रही हैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू में जुलाई 2022 सेशन में विभिन्न यूजी, पीजी डिप्लोमा, पीजी डिप्लोमा और अन्य कोर्सेज में दाखिले के लिए आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन मोड में संचालित की जा रही है। आवेदन प्रक्रिया आज यानी सोमवार 7 नवंबर 2022 को समाप्त होने जा रही है। भारत के स्टार बल्लेबाजों T20 वर्ल्ड कप में शानदार फॉर्म में चल रहे विराट कोहली ने ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अक्टूबर महीने का अवार्ड जीत लिया है। कोहली के साथ इस अवार्ड के लिए जिम्बाब्वे के ऑलराउंडर सिकंदर रजा का नाम भी नॉमिनेट किया गया था, लेकिन कोहली ने उन्हें पछाड़कर इस पर कब्जा जमाया है। दिल्ली NCR में जहरीली हवा से लोगों को थोड़ी राहत मिली है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के एयर क्वालिटी बुलेटिन के मुताबिक सोमवार को दिल्ली का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक 349 रहा। प्रदूषण में कमी के चलते दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने सोमवार को हाई लेवल मीटिंग की, जिसमें कई पाबंदियों को हटा लिया गया है। भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस उदय उमेश ललित का सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को आखिरी दिन है। वह 8 नवंबर को सेवानिवृत्त होंगे। उनकी जगह दूसरे वरिष्ठतम जस्टिस डॉक्टर DY चंद्रचूड़ देश के अगले मुख्य न्यायाधीश होंगे। सेवानिवृत्त होने से पहले न्यायाधीश ललित आज यानी सोमवार को सामान्य वर्ग के आर्थिक गरीब को 10% आरक्षण पर ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सोमवार को जमशेदपुर पहुंचे। वे करीब 2341 करोड़ की 230 योजनाओं का ऑनलाइन शिलान्यास और उद्घाटन आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत किया। एयरपोर्ट से सीधे बिष्टुपुर स्थित गोपाल मैदान पहुंचे। यहां पर उनका स्वागत ढोल नगाड़े और पारंपरिक नृत्य और रीति रिवाज से किया गया।
हिमाचल प्रदेश के जनजातीय जिला लाहौल की स्पीति घाटी में छात्राओं ने विश्व के सबसे ऊंचे मतदान केंद्र टशी गंग में गीत गाकर प्रदेशवासियों को मतदान करने के लिए प्रेरित किया है। चुनाव आयोग की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में स्कूल की छात्राओं में स्थानीय भाषा में गीत गाया। मौजूदा हालात की तरह चलता रहा तो उदयपुर एक दिन विश्व का सबसे प्रदूषित शहर बन जाएगा। उदयपुर में पर्यटन को पर्यावरणीय सहनीय सीमा के भीतर लाना होगा, अन्यथा हवा, पानी, मिट्टी सभी जहरीले बन जाएंगे। यह चिंता है पर्यावरणविदों की। मध्य प्रदेश पहला राज्य होगा जहां राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत स्कूली शिक्षा में ऐसे बदलाव किए जा रहे हैं। सरकारी स्कूलों में नर्सरी से दूसरी कक्षा के बच्चे बिना कॉपी किताब शिक्षा प्राप्त करेंगे। इसके तरह एनसीईआरटी नेशनल फ्रेमवर्क करिकुलम एनसीएफ तैयार कर सभी राज्यों को भेजा है। हरियाणा भिवानी जिले के लोहारू उपमंडल के गाँव कुशलपुरा में अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आरक्षित पंचायत लगातार दूसरी बार निर्विरोध पंचायत बन गई है। यहाँ पूर्व सरपंच सत्यवान ओला की पहल पर 31 वर्षीय नौजवान प्रदीप को सरपंच चुन लिया गया है। बीजिंग में भारतीय दूतावास ने एक बयान जारी किया है। बयान में कहा गया है कि दूतावास को नेशनल मेडिकल कमीशन द्वारा चीन में आयोजित क्वालिफाइंग एग्जाम की पात्रता को लेकर छात्रों और उनके परिजनों के लगातार सवाल मिल रहे हैं। भारतीय दूतावास ने आगे कहा कि छात्रों और उनके परिजनों से एनएमसी का 18 नवम्बर 2021 को जारी नोटिफिकेशन देखने का निवेदन किया जाता है। इमरान खान के विरोधी और अनुभवी पाकिस्तानी राजनेता मौलाना फजलुर रहमान ने हत्या के प्रयास के दौरान पूर्व प्रधानमंत्री की चोटों पर संदेह जताया। उन्होंने कहा कि इमरान खान ने अभिनय कौशल में बॉलीवुड सितारों शाहरुख खान और सलमान खान को भी पीछे छोड़ दिया है। सनाउल्लाह ने इमरान खान के एजेंडे को मनहूस बताया और उनके खिलाफ खड़े होने का आह्वान किया है। रविवार को जियो न्यूज के कार्यक्रम नया पाकिस्तान के दौरान सनाउल्लाह ने कहा कि इमरान खान की केवल एक मांग है, वह चाहते हैं कि संस्थानों द्वारा उन्हें प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठाने के लिए अपनाया जाए। मांझे बलिया एवं तुर्तीपार में लगने वाले कार्तिक पूर्णिमा मेला को ध्यान में रखते हुए पूर्वोत्तर रेलवे ने कई गाड़ियों को अस्थायी ठहराव तुर्तीपार में किया है। यह जानकारी पूर्वोत्तर रेलवे के जनसंपर्क अधिकारी पंकज कुमार सिंह ने दी है। इसके अलावा रोडवेज ने भी स्पेशल बसों की व्यवस्था की है। मेले के लिए रोडवेज ने 80 बसों की व्यवस्था की है। कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति अभिजीत गंगोपाध्याय द्वारा बंगाल के सरकारी स्कूलों में अवैध रूप से शिक्षक की नौकरी पाने वाले उम्मीदवारों के लिए स्वेच्छा से इस्तीफा देने की राय समय सीमा सोमवार को समाप्त हो रही है, लेकिन इस दौरान पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग के कार्यालय में एक भी इस्तीफा नहीं पहुंचा है। उत्तर प्रदेश नगर निगम क्षेत्र में ओबीसी की संख्या 256,270 मिली रिपोर्ट आने के बाद अब उस पर दावे एवं आपत्तियां आमंत्रित की गई हैं। 8 नवम्बर तक आपत्ति दर्ज कराई जा सकती है। सामान्य वर्ग में आर्थिक रूप से कमजोर तबके को 10% आरक्षण दिए जाने के फैसले पर सुनवाई करते हुए सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे सही ठहराया। सुप्रीम कोर्ट के 5 सदस्यीय बेंच में से 3 न्यायाधीशों ने ईडब्ल्यूएस आरक्षण के सरकार के फैसले को संवैधानिक ढांचे का उल्लंघन नहीं माना है। नामीबिया से लाकर चीते मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले के कुन्नू राष्ट्रीय उद्यान में छोड़े गए थे। इनमें से 2 चीतों को 5 नवम्बर को क्वारंटाइन से निकालकर बड़े बाड़े में स्थानांतरित कर दिया गया था। वहीं बाकी 6 चीतों को भी चरणबद्ध तरीके से बड़े बाड़ों में स्थानांतरित किया जाएगा। बड़े बाड़े में स्थानांतरित किए जाने के 1 या 2 महीने बाद इन चीतों को जंगल में छोड़ दिया जाएगा। सोशल मीडिया पर जानवरों की डेली रूटीन से जुड़े हजारों वीडियो हर दिन वायरल होते रहते हैं। इनमें से कुछ वीडियो इतने मजेदार होते हैं कि जिनको देखकर यूजर्स का दिन बन जाता है। ऐसा ही एक वीडियो एक बेबी गैंडे का वायरल हुआ है। इसमें उसे बकरी के साथ उसकी तरह ही कूदते हुए देखा गया है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल गुजरात विधानसभा चुनाव के प्रचार के लिए गुजरात के दौरे पर हैं। इस बीच केजरीवाल ने आरोप लगाया कि मोरबी केबल ब्रिज की मरम्मत कर रहे लोगों को बचाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने यह भी कहा है कि अगर आप गुजरात में सरकार बनाती है तो वे मोरबी में एक बड़ा पुल बनाएंगे। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर दिया था। जिन्होंने पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है घनश्याम चौधरी, मोहम्मद नौशाद रजा, उमेश ऋषिदेव, आनंद कुमार, के सिन्हा, दीपक कुमार, श्रीकांत कुमार, घनश्याम कुमार, बाबूलाल मरांडी, रमन कुमार रमन, मोहम्मद अफजल और ओमकार सिंह। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि सामान्य वर्ग के बीच 10% ईडब्ल्यूएस आरक्षण प्रदान करने के फैसले से क्या आप सहमत हैं? अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।